ओनियंस। प्याज को काटने से आंखों से आंसू क्यों आने लगता है? बाकी सारी सब्जियों को काटते हैं तो आंखों से आंसू नहीं आता है, लेकिन जब हम प्याज को ही काटते हैं तो आंखों से आंसू आने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? प्याज के काटने से आंखों में आंसू आने का मेन कारण, पहले लोग समझते थे कि उसमें जो एंजाइम पाया जाता है, एलिनेस नामक एंजाइम होता है प्याज में, तो उसी के कारण आंखों में आंसू आने लगता है। वैज्ञानिकों का भी मानना यही था, लेकिन बहुत सारे और अध्ययन और रिसर्च के बाद पता चला कि ये फैक्ट गलत है। प्याज के कटने के बाद आंखों में आंसू आने का कारण कुछ और ही है। बहुत सारे रिसर्च और प्रैक्टिकल के बाद इसका मेन फैक्ट, सही रीजन सामने आया। प्याज में मौजूद लेक्राइमेट्री फैक्टर सिंथेस नामक एंजाइम होता है, और जब प्याज को काटते हैं तो प्याज में से यह एंजाइम निकलने लगता है। फिर उसके बाद लेक्राइमेट्री फैक्टर सिंथेस नामक एंजाइम प्याज में मौजूद एमिनो एसिड को सल्फेनिक एसिड में बदल देता है, और बाद में सल्फेनिक एसिड भी साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड में बदल जाता है, और जब यह साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड हवा के माध्यम से हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमारी आंखों में पाए जाने वाला लैक्राइमल ग्लैंड में परेशानी आने लगती है, जिसके कारण हमारी आंखों में जलन होने लगती है, और इस जलन के साथ ही हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मेन यही फैक्ट था आंखों से आंसू निकलने के पीछे। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए, एंड इस वीडियो को लाइक एंड फेवरेट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ले फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।